राजनांदगांव में लोकसभा चुनाव आयोजित होने हैं। विधानसभा में मिली हार के बाद अब लोकसभा की तैयारियों में कांग्रेस जुट गई है। कांग्रेस के संयोजक दीपक दुबे राजनांदगांव पहुंचे थे, कार्यकर्ताओं से चर्चा की और कार्यकर्ताओं को बूथ संबंधी अन्य जानकारियां दी। राजनांदगांव से नेमिश अग्रवाल की रिपोर्ट। भाई दीपक दुबे जी जो है, जिनकी नियुक्ति अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से हुई है राजनांदगांव लोकसभा की, आज वो लोकसभा की बैठक लेने के लिए आए थे। उनकी प्रथम आगमन था, उस वक्त पूरे जिले की बैठक थी और दूसरी बैठक थी कि राजनांदगांव विधानसभा में जो अभी चुनाव हुए हैं उसमें समीक्षा बैठक चुनाव के बाद नहीं हुई है, उसकी समीक्षा बैठक शहर कांग्रेस कमेटी की बची हुई थी। हमारे ब्लॉक अध्यक्ष बाहर थे, इस कारण नहीं हो पाए थे। देखिए, आसन लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने तैयारी चालू कर दी है कांग्रेस ने, जिसके तहत मुझे राजनांदगांव लोकसभा का कोऑर्डिनेटर बनाया गया है, समन्वयक बनाया गया है। उसी के तहत किस तरीके से पार्टी को काम करना है उसको लेकर पहली बैठक जिला कांग्रेस की शहर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में आज यहाँ आयोजित हुई। सभी कार्यकर्ताओं से चर्चा हुई और आगामी चुनाव की रूपरेखा यहाँ पर तैयार की गई।